नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। 5 जुलाई को मजदूर कल्याण बोर्ड का घेराव करेगा हरियाणा भवन निर्माण कामगार यूनियन। 11 जुलाई को होगा प्रदेश व्यापी आक्रोश प्रदर्शन। कामगार यूनियन तथा जत्था सिरसा से चलकर आज एलनाबाद में पहुंचा। यूनियन के राज्य अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में मूलभूत 24 सुविधाएं लिखी हुई है, जिनमें से एक भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और जो सुविधाएं मिल रही है उनकी भी कोई समय सीमा नहीं है और वह समय पर नहीं मिल रही हैं। राज्य महासचिव सुखवीर सिंह व उनके साथी कृष्ण सैनी, जिला प्रधान नथुराम सचिव व एलनाबाद ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभी मजदूरों को 11 जुलाई को पंचकुला पहुंचने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं एलनाबाद पल पल से LD स्वामी की ये रिपोर्ट। बड़ा मसला जो था वो बोर्ड की ओर से इलाज का प्रबंध किया जाए, ये एक बड़ा मसला था, लेकिन अभी तक इलाज का प्रबंध नहीं हो रहा। और समय सीमा जो कल्याण बोर्ड की ओर से सुविधाएं निर्माण मजदूरों को मिलती हैं उसकी समय सीमा तय हो, कोई समय सीमा तय नहीं है उसकी। एक साल हो जाए, दो साल हो जाए, लटकते रहते हैं केस, सुविधा की राशि जो मिलनी है। दूसरा मसला ये था बड़ा। तीसरा जो मसला था, लेबर चौक्स पे सेट बने, मतलब दुनिया को छत मुहैया करवाने वाला जो मजदूर है वो खुद पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, बारिश आए, आंधी आए, कुछ भी आए, क्यों नहीं लेबर चौक्स पर सेट बने? रजिस्ट्रेशन सब मजदूरों के हों, चिट्ठी तो जारी होगी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन के संबंध में, लेकिन अभी तक भी ठीक तरीके से वो प्रक्रिया चल नहीं रही है। चौकों पर रजिस्ट्रेशन के अखबारों में बड़ी बड़ी बयानबाजियां हैं सरकार की ओर से, लेकिन धरातल पर इसके ठीक विपरीत है स्थिति। कहीं 10 हो रहे हैं, कहीं 15 हो रहे हैं रोज। अब 10-15 रोज होंगे सिरसा जैसे जिला में जहां 60-70 हजार निर्माण का मजदूर है, तो कैसे इसको कवर पाएंगे? पूरा हरियाणा में 22 लाख मजदूर है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर जाके अधिकारी कैंप लगाएं, लोगों को रजिस्टर्ड करें, बल्कि गांव स्तर तक जाएं, तब ये कंपेन पूरा हो सकता है और 22 लाख मजदूर पंजीकृत हो सकते हैं। इन तमाम मसलों को लेके, इन पर जो सहमति हमारे साथ बनी थी इन मसलों पर, उसका पत्र जारी हो, लिखित में नोटिस हो उसका जारी, तब जाके कोई बात बन सकती है, नहीं तो 11 जुलाई को पूरे हरियाणा के जो मजदूर हैं वो बोर्ड का घेराव करेंगे पंचकूला।